अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जन्नत मोबाइल शॉप से हसन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज मेरे पास एक मॉडल आया है। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास मॉडल आया हवावे Y62 है ये, ठीक है। और दोस्तों इसका मॉडल है CAML21, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर FRP लॉक लगा हुआ है, ये देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों इसका FRP लॉक आपको मैं क्रैक वर्जन से खोलना बताऊँगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, अलाउ कर दिया। और दोस्तों आपने ये वीडियो अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो थोड़ी सी लाइव वीडियो बनेगी, लंबी बन जाएगी, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, नहीं सीखना चाहते तो आप वीडियो स्किप कर दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आप सीखना नहीं चाहते, ये देखें दोस्तों यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है, और ये देखें FRP लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है FRP लॉक चेक करने का हवावे के सेटों का। दोस्तों ये जितनी भी वीडियो बनेगी ना, मोबाइल आपके सामने रहेगा, कैमरे के सामने रहेगा, और वीडियो ना ही इसकी हम जो है एडिट करेंगे ना ही पास करेंगे, ठीक है। माइनस का बटन दबा के USB केबल इसके अंदर इंसर्ट करनी है, माइनस का बटन दबा के। USB केबल कंप्यूटर के साथ लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लें फोन लॉक FRP लॉक, ठीक है। अब एक चीज़ करनी है इसकी कि अभी इसे इस बूट से बाहर निकलने के लिए वॉल्यूम अप और पावर बटन प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए। मोबाइल इतनी देर में रिस्टार्ट हो रहा है, इतनी देर में मोबाइल इधर ही है, इतनी देर में मैं जो है वो ऑन कर लेता हूँ EFT का क्रैक वर्जन। कमेंट्स में मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, वीडियो जो पूरी देखेगा उसको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो क्रैक वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है ये 500 MB वाला क्रैक वर्जन है, और 1 GB वाला नहीं है ये, ठीक है। और क्रैक वर्जन अगर किसी का ऑन ना हो रहा हो, ये पुराना वर्जन है मेरे पास, 1 GB वाला क्रैक वर्जन नहीं है ये। मोबाइल ऑन कर लेता हूँ, मोबाइल बंद कर दिया सामने, ये ले ऑन हो गया मोबाइल। ये जो क्रैक वर्जन है ये पुराने वाला है, इसके बाद एक न्यू क्रैक वर्जन है 1 GB वाला, वो मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। तो और जब ये क्रैक आपने ऑन करना है ना तो ये रन नहीं होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको किस जगह पर रन नहीं होगा। ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन आया, यहाँ पे जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ ना, अगर नेट कनेक्ट होगा लॉग इन करेंगे ना आप, तो ये 20 या 45 पे आपका जो है ना स्टक हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। नेट डिसकनेक्ट होगा तो ऑन हो जाएगा क्रैक वर्जन। अच्छा क्रैक वर्जन ऑन होने के बाद यहाँ से आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ से जाके आपने हवावे सेलेक्ट कर लेना है। हवावे जो है ना सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे ऑप्शन है FRP1, FRP2, FRP3, उसके बाद एक ऑप्शन है FRP ऑफलाइन MTP, ठीक है। इस पे आपने FRP ऑफलाइन पे हम वर्क करेंगे। ये देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री अलाउ। अच्छा वाईफाई इस वजह से कनेक्ट किया हुआ, वाईफाई कनेक्ट ना हो तो ये वाली लॉग नहीं आती। अगर नेक्स्ट नहीं होता वापस दोबारा जो है ना बैक चला जाता, इसलिए वाईफाई कनेक्ट किया हुआ मैंने। अच्छा ये देखें यहाँ पे अब जो है हमने FRP ऑफलाइन MTP पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और वहाँ पे देखें लिखा हुआ है एनेबलिंग ADB, प्लीज कनेक्ट फोन MTP फोन नॉर्मल मोड, ठीक है। ये मोबाइल नॉर्मल मोड में कनेक्ट कर रहे हैं, USB केबल में इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट कर दी, कनेक्शन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABD का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास, वहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वेट, प्लीज डिसकनेक्ट फोन एंड रिबूट फोन मैन्युअली। अच्छा अभी हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है वेटिंग फॉर ADB सेट को हम उधर लिखा हुआ है रिबूट करो फोन मैनुअली, ये मैनुअली हम रिबूट कर रहे हैं, क्योंकि ADB जो है ना इसका एनेबल ये EFT डोंगल क्रैक जो है खुद करता है। ऊपर एनेबलिंग लिखा हुआ है, जब एनेबलिंग कर लेते ना उसके बाद आपने सेट को रिबूट करना है, ठीक है। और हवावे के ड्राइवर आपके प्रॉपर इंस्टॉल होने चाहिए ADB के भी, ठीक है दोस्तों। और वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि कौन कौन से मॉडल खुल जाते हैं इस क्रैक वर्जन से, तो प्रॉपरली आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जिन जिन लोगों के पास क्रैक वर्जन डोंगल्स वगैरह नहीं है
तो वो क्रैक वर्जन इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं, अपना टाइम कीमती वक्त जो है ना सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैनुअली अगर बाईपास करो तो आपको पता है वो आधा घंटा पौना घंटा भी लग जाता है कभी कभार, इसमें वन क्लिक पे होगा। अच्छा हम ये नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी देखें वहाँ पे वो आ रहा है वेटिंग फॉर ADB डिवाइस, ठीक है अलाउ। जैसे ये देखें अभी यहाँ पे अब हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें सिप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसको USB हमने कनेक्ट कर दिया मैनुअली रिबूट करने के बाद, ये कनेक्ट कर दी USB, ये देखें ADB का ऑप्शन आ गया। अभी देखें जैसे ही मैं ओके करूँगा वहाँ पे ये अपना FRP रिमूविंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके देखें डिवाइस कनेक्टेड FRP रिसेटिंग FRP, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ये लेता है। ये देखें उसने रिसेटिंग FRP डन कह दिया वहाँ पे, ठीक है, और जो है अभी यहाँ पे स्किप का ऑप्शन ही आया। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो देखें वो ऊपर वो आ रहा है, बैक करेंगे हम फिर दोबारा अलाउ करके देखते हैं, ये देखें नो थैंक्स नेक्स्ट। ये देखें स्किप का ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, आज भी मैं थोड़ा छुपा रहा हूँ, CEML21 और वर्जन देख लें आप, एंड्रॉयड वर्जन है ये देखें एंड्रॉयड वर्जन 6.0, ठीक है। तो FRP हमारा प्रॉपर रिमूव हो चुका है, हम इसकी USB केबल कंप्यूटर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा दोस्तों अब ये देखें बिल्कुल पीछे ये कंप्यूटर पड़ा है, तो आपको कंप्यूटर पे जो लॉग आई हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अच्छा अब आ जाती है बात कि इससे कौन कौन से मॉडल खुल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर मेटन लाइट 2017 खोला है, ठीक है, ये अभी Y62 खोला है, इसके ऊपर हॉनर 8X 2017 पाँचवें महीने में रिलीज हुआ है वो खोला है। मोबाइल जब ये वो मोबाइल खोलेगा जिस मोबाइल का पहली बात है ADB जो है अनेबल ये खुद ब खुद कर ले, जिस मॉडल का ADB अनेबल ये कर ले उसको तो ये खोल देगा, जिसका नहीं कर सकता तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी मॉडल का ADB ओपन कर भी लेता है, ADB का ऑप्शन आ गया कनेक्ट हो भी गया है, उसके बाद यहाँ पे उसने मॉडल भी बता दिया है, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें नहीं बताई, मॉडल बता दिया लेकिन FRP फॉर रिसेटिंग FRP भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन अगर उसने नहीं बताया, क्रैक वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन नहीं बताया आपको, रिसेटिंग FRP ओके लिखा आ भी गया है फिर भी आपका FRP रिमूव नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन बता देता है उसके बाद FRP रिसेटिंग एरर दे देता है फिर भी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर ये दो चीज़ें इकट्ठी दे दे एंड्रॉयड वर्जन में बता दे FRP रिसेटिंग ओके दे दे तो भाई आपका 100% जो है ना मोबाइल FRP वन क्लिक पे खुल जाएगा। वीडियो बन गया तो 10 मिनट की 11 मिनट की हो सकता है बन जाए, लेकिन ये वन क्लिक पे खुलता है जस्ट इन 30 सेकेंड्स, ठीक है दोस्तों। और इसमें 2017 से पाँचवें महीने से पहले पहले जितने भी मॉडल हैं सारे मॉडल खुल जाते हैं इससे क्रैक वर्जन से,
तो पहले मैं काफी सारे मॉडल खोल चुका हूँ, तो ग्रुप में भी मैंने पोस्ट की थी कि भाई मैं खोल चुका हूँ, तो लोग कहते थे भाई हमारे से नहीं खुल रहा। तो अभी ये वीडियो मैंने बना दिया है दोस्तों के लिए। दोस्तों जो न्यू सिक्योरिटी पैच आया वो भी इसके ऊपर नहीं खुलता, ठीक है। न्यू अपडेट जो मॉडल्स हैं वो भी नहीं खुलते, लेकिन ये है कि 2017 पांचवें महीने से पहले जितने भी मॉडल हैं काफ़ी सारे, मैं इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल खोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सारे मॉडल खोल चुका हूँ। तो आपने इस तरीके से ये मॉडल खोल लेने हैं, FRP इसका खोल लेना है, अपना टाइम बचाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है मेरी वीडियो शेयर भी करनी है। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बावजूद मुझे अगर व्यूज़ अगर 50 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मुझे लाइक्स कितने आ रहे हैं, 5, ठीक है। यानी कि हर 10 में से एक बंदा मुझे लाइक कर रहा है और 9 बंदे डिसलाइक के एक किस्म का कर रहे हैं, यानी कि उनके पास टाइम नहीं है कि एक बटन लाइक का दबा दें, एक कमेंट दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरी वीडियो शेयर नहीं करेंगे, तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।